अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी आप सबके अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक रमज़ान की तैयारियों के साथ साथ अब ईद की तैयारियां भी ज़ोर शोर पे हैं और इस मीठी ईद पे ये मीठी सी फिरनी बनाएं और इन्जॉय करें तो मैं रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ बिसमिल्लर हाफ़ कप मैंने चावल ले लिए अब इन चावलों को मैं अच्छी तरह से धो धोलूँगी ये चावल मैंने धो लिए अच्छी तरह से अब इनमें मैं हाफ़ कप हल्का गरम दूध शामिल कर दूंगी और इनको मैं भिगो के रख दूंगी जब तक ये नरम ना पड़ जाएं अब दूसरी तरफ मैंने एक देगची ली उसमें मैंने फ़्रेश मिल्क वन एंड हाफ लीटर शामिल किया और उसको मीडियम फ़्लेम पे पकने के लिए रख दिया ये दो से तीन मिनट के बाद इसमें अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है और अब मैं इसमें एक कप में इसमें शुगर शामिल कर दूंगी आप शुगर कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं मैंने इसमें एक कप शुगर ऐड किया कर दी और इसको मैं लो फ्लेम कर दूंगी दूध की ये जो मैंने चावल लिए थे ये बीत चुके हैं इनको मैं अब इनकी बना लूँगी दानेदार सी पेस्ट ब्लेंडर जग मैंने लिया उसमें इसको दो से तीन मिनट मैंने ग्राइंड कर लिया ये दूध मैंने जो लो फ्लेम पे रखा हुआ था अब मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी और इसमें जो मैंने चावल ग्राइंड किए थे वो ऐड कर दूंगी ये थोड़े से नीचे पेस्ट इसकी रह गई है इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूंगी जग में और हिला के सारे जो मेरे पास चावलों का मेज़ा है वो इस दूध में मैं शामिल कर दूँगी ये थोड़ा सा पिस्ता मैंने काट लिया थोड़े से बादाम और ये थोड़ा सा जाफरान है मेरे पास उसको भी मैं ऐड करूँगी इसमें ये चावल डालने के बाद मैं विस्क इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसमें गुटली बन जाती है अगर मैं विस्क जो है चलाती जाऊँगी इसमें तो गुटली भी एक तो ख़त्म हो जाएगी चावल की वो भी नहीं बनेगी और दूसरा इसमें बलाई थी वो भी अच्छी तरह से इस आ, अमेजे में मिक्स हो जाएगी और इसको मैं विस्क से अच्छी तरह से हिला लूँगी ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको इसमें गुटली वग़ैरह बिल्कुल नहीं बनी ये तकरीबन थर्टी मिनट में हमारी फिरनी तैयार हो जाती है आपने बस ये चीज़ें डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे ये ज़ाफ़रान मैंने घोल लिया वन टीस्पून मैंने इसमें दूध डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये मैं फिरनी में शामिल कर दूँगी और विस्क लूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी इसका बड़ा अच्छा सा बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाता है फिरनी में ये मैंने केवड़ा लिया वो भी थोड़ा सा तकरीबन फ़ोर फाइव ड्रॉप्स में इसमें केवड़े के शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जी हम बना रहे हैं शाही फिरनी तो फिर इसको ज़रा शाही तरीके से तैयार करना पड़ेगा इसमें मैंने पिस्ता बादाम थोड़े से काट के डाल दिए वो डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी किनारे भी साफ़ करती जाऊँगी साथ साथ और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट और पका लूँगी अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ कप कंडेंस मिल्क अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो ठीक वरना आप हाफ़ कप इसमें नीडो भी डाल सकते हैं अगर नीडो भी नहीं आपके पास तो आप इसमें हाफ कप घर की बनी हुई जो बलाई होती है वो आप इसमें ऐड कर दें और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें वैसे कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने शेयर की है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी अगर आप घर में बनाना चाहें बहुत ईजीली बन जाता है और उसको आप तैयार करके रख लें घर में अच्छा जी ये देखें हमारी जो फिरनी है वो तकरीबन तकरीबन तैयार होने को है मैं इसको पाँच से छः मिनट और पकाऊंगी ये देखें जी मैंने बड़े प्यारे से ये पॉट लिए मिट्टी के और इसमें मैं फिरनी सर्व करूंगी मिट्टी का आप कोई भी बर्तन यूज़ करें उसको यूज़ करने से पहले आप उसको पानी में अच्छा सा डिबो दें तकरीबन पाँच छः मिनट मैं पानी में इसको भिगो दूँगी और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी इसमें फिरनी फिर, फिर डालूँगी ये देखें जी एक प्याला मैंने लिया और ये छोटी सी कटोरी इसको वैसे ठूठी बोलते हैं ये जो प्लेट सी बनी हुई है ना ये अक्सर हमारे अभी भी शादियों में इसमें फिरनी या खीर सर्व की जाती है और इसमें ये देखें जी कितनी मज़े की ये लग रही है फिरनी इसको ठंडा करें और खाएं इस मिट्टी के बर्तन में फिरनी का मज़ा और दुबाला हो जाता है ये मैंने इसको थोड़े से मैंने चांदी के वर्ट लगाए और इसको मैंने ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया जी ये शाही फिरनी है इसको शाही तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए तो ये फिर मैंने ऐसे ही वर्क मैंने चांदी के थोड़े लगाए क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा ये हम नहीं खाएंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खूबसूरती के लिए ऊपर लगा दिए तो आप ये फिरनी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह की लगी आपको मेरे